उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में 25 मई तक कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या और खराब मौसम को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से 17 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद सरकार ने यात्रियों से अपील की है कि वो चार धाम के रूट पर सतर्क रहें। मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि यात्रियों को वर्षा जनित घटनाओं से अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके अलावा लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं को लेकर हाईवे पर चलने वाले लोगों को एक एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड में देश के तमाम हिस्सों से लगातार यात्री पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि इस वक्त तक उत्तराखंड में करीब 9 लाख यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो ये आंकड़ा 27 लाख यात्रियों तक पहुंच गया है। इस बीच गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बारिश के कारण लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ी है। इसे देखते हुए प्रशासन ने ये कहा है कि यात्री अपनी सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें। वहीं एहतियात के तौर पर 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। 26 मई से एक बार फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तब तक वही यात्री दर्शन कर पाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।